तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग राउल्ट के नियम की सीमाएं, हेडिंग डाल लो क्या, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ, ठीक है ना। राउल्ट नियम पढ़ चुके हैं हम लोग, तो राउल्ट का नियम क्या था तुम्हारा, राउल्ट का नियम क्या था, P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड पी नॉट इक्वल एक्स ए, ठीक ना, यही था। या फिर एक्स ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन बाई एन प्लस कैपिटल एन, ठीक। पी नॉट क्या था, शुद्ध द्रव का वाष्पदाब या शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, ये क्या था, बिलियन का वाष्पदाब। एक्स ए क्या था, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, ये भी विलेय की। ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। टोटल क्या है, बिलियन के में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना। ये पी नॉट माइनस पी एस क्या है, वाष्पदाब में अनुमन। सिर्फ कोई अगर कोई पूछता है पी नॉट माइनस पी एस क्या है, ये वाष्पदाब में क्या है, अनुमन है, मतलब कमी है, ठीक ना। अगर P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड P नॉट इसे पूछता E का है, तब क्या बताओगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमन है ये, ठीक ना। ये आपेक्षिक लग जाएगा यहाँ पे, आपेक्षिक, ठीक ना। और आपेक्षिक का मतलब बताए थे रिलेटिव, बताए थे ना, रिस्पेक्ट में। तुम लोग 400 नंबर किसके रिस्पेक्ट में लाए हो, 600 के रिस्पेक्ट में। तो इसके अनुमन किसके कमी के कारण हुआ है, पी नॉट, ठीक ना। तो देखो लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, मतलब राउल्ट लॉ का क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक ना। वही जो कंडीशन है पीछे पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक ना। पहला क्या है तुम्हारा, देखो पहला तुम्हारा ये किस बिलियन पे लागू होता है, तनु बिलियन, किस बिलियन पे लागू होता है। ये राउल्ट का नियम तभी पॉसिबल है जब क्या डालोगे तुम, जो बिले डाल रहे थे वो क्या हो, थोड़ा हो, ना मात्र के बराबर हो। तनु का मतलब ही क्या होता है, तनु बिलियन याद करो, जिसमें विलायक की मात्रा, बिले की मात्रा ना, बिले की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम होता है, वही क्या होता है, तनु बिलियन। तो राउल्ट का नियम किस पे फॉलो करता है, तनु बिलियन के लिए, ठीक ना। तो पहला नोट कर लो, राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं, राउल्ट के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं, राउल्ट के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, यह नियम अति तनु बिलियनों पर लागू होता है, यह नियम अति तनु बिलियनों पर लागू होता है, यह नियम अति तनु बिलियनों पर लागू होता है। सोच लो पहले से तनु था ही, क्या पहले से क्या था, तनु तो था ही। तनु का मतलब क्या हुआ, विलेय की मात्रा बहुत कम होता है, डेफिनेशन में याद करो, बहुत कम। और इसके आगे भी का लग गया, नाम मात्र के बराबर, अब तो और कम, अति अति लग, जहां लग जाए तो क्या कर देता है, उसको और लेस कर देता है, ठीक ना, नाम मात्र के बराबर हो गया। ऐसा लगे कि नमक डाले ही नहीं हो, पानी में नमक डाले ही नहीं हो, उसका बात कर रहा है, अति तनु बिलियन के लिए, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन,
यह नियम केवल उन बिलियनों पर लागू होता है, यह नियम केवल उन बिलियनों पर लागू होता है जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों, जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों। अवाष्पशील पदार्थ घुले हो, हाँ ये दूसरा मेन कंडीशन। दूसरा मेन कंडीशन क्या है? राउल्ट का नियम किसी भी बिलियन पे तभी लगा सकते हो जो जो उसमें तुम क्या डाले थे, क्या डाले थे? बिले डाले थे ना, और वह बिले कैसा होना चाहिए, मतलब उसका वाष्प नहीं निकलना चाहिए। अगर वाष्प निकलेगा तो क्या होगा? मान लो वाष्प निकलेगा तो क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में विचलन उत्पन्न हो जाएगा ना, या तो अधिक निकलेगा या तो ज्यादा कमी हो जाएगा, ठीक ना? ज्यादा निकलेगा तुम्हारा वही है तुम्हारा, जैसे फूड जल्दी नहीं पकेगा, अंडा बॉयल जल्दी नहीं होगा, ठीक ना? तो ये किस बिलियन पे लागू होता है जिसमें कि बिले की बिले क्या हो, मतलब बिले का वाष्प नहीं निकलता। एक नंबर का ये क्वेश्चन आता है राउल्ट के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है, तो चार स्थिति दे देगा, एक स्थिति यही वाला बोल देगा, ठीक ना? किसी भी बिलियन में अवाष्पशील घुला हो, तो बात तो यही हो गया ना, तो वही बिलियन पे लागू होगा जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुला है, ठीक ना? तीसरा कंडीशन, यह उन पदार्थों के बिलियनों पर भी लागू नहीं होता है, यह उन पदार्थों के बिलियनों पर लागू नहीं होता है, यह उन पदार्थों के बिलियनों पर भी लागू नहीं होता है जो बिलियन में संगुणित एसोसिएट ना संगुणित होते हैं, जो बिलियन में संगुणित होते हैं, जो बिलियन में संगुणित, अब पहले ही बता चुके हैं संगुणित का मतलब क्या हो जाना, बताओ संगुणित का मतलब क्या हो जाना? बदल जाना, रूप बदल लेना। जैसे देखो मान लो ए कोई पदार्थ था, बिलियन में क्या बना दिया? ए टू बना दिया, नया प्रोडक्ट बना दिया, तो दो लेने के लिए दो, टू ए इक्वल क्या बना दिया? ए टू, मतलब डाल रहे हो नमक पानी के साथ मिलकर कोई नया चीज बना दे रहा है। तो कोई नया चीज, जैसे तुम पानी में क्या डालते हो? नमक, तो कोई नया चीज दिखता है क्या? जानते हो सिर्फ पानी में सिर्फ क्या है? नमक है, ठीक, इतना ही जानते हो, ठीक है ना? तो बिलियन के साथ क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? संगुणित, क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, संगुणित का मतलब होता है बिलियन में कोई दूसरा कंपाउंड न बन जाए, ठीक ना? दूसरा बन कंपाउंड नहीं बनना चाहिए तुम्हारा, तब जाके क्या फॉलो होगा? राउल्ट का नियम फॉलो होगा। अब संगुणित से क्या हो जाएगा? मान लो तुम नमक को डाले, क्या डाले? NaCl को, तो डाल दिए, और ये रहा तुम्हारा क्या, ये क्या रहा? H2O, ये तुम्हारा क्या रहा? H2O, पानी होता है ना। अब मान लो संगुणित का मतलब क्या हो जाना? इन दोनों का किस में आ जाना? कॉन्टेक्ट में आ जाना। किस में आ जाना? मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? संपर्क में आके पकड़ खा लिए। क्या खा लिए? जब ये दोनों एक बूंद किसका, एक अणु किसका? NaCl का, और दूसरा अणु किसका? H2O का, मिल करके ऐसा बना दिए। क्या बना दिए? ऐसा बना दिए। जब बना दिए तो इसका वाष्प जल्दी निकलेगा? जिसका वाष्प जल्दी नहीं निकल सकता है, और निकल गया तो बहुत फास्ट भी निकल जाएगा। इसीलिए बिलियन में जो बिले की पदार्थ हो वो संगुणित नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाष्प दाब में क्या कर देगा? विचलन। विचलन का मतलब या अधिक या कमी। फोर्थ कंडीशन, ताप स्थिर होना चाहिए, ताप स्थिर होना चाहिए, ताप स्थिर होना चाहिए। ये तो पहले ही जानते हो, क्यों? अगर ताप में डिफरेंस आ गया तो क्या होगा?
वाष्प दाब में भी विचलन हो जाएगा ना, सेम टेम्परेचर का बात करता है कौन, राउल्ट का नियम चाहे हेनरी का नियम चाहे राउल्ट का नियम, दो बार पढ़ लिए ना। हाँ, तो ये तीनों नियम आपकी बार नहीं पूछा गया है और आपकी बार गारंटी 99% चांसेस है। तो ये तीनों नियम को अच्छा से परफेक्ट सीमा है कंडीशन तक, तीनों हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, किस में द्रव का द्रव में राउल्ट का नियम और ठोस का द्रव में राउल्ट का नियम, ये दो तीनों नियमों से आपकी बार पक्का टपकने वाला है, ठीक ना। चलो अब इस पे हम लोग क्या चलेंगे, सवाल। सवाल आते हैं तुम्हारा 3 से 4 नंबर का, बहुत इजी से खाली कैलकुलेशन करना है। तो हेडिंग डाल लो सवाल के लिए, हम लोग फार्मूला पहले पढ़ेंगे। हेडिंग डालो सब लोग, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील पदार्थ के, अवाष्पशील पदार्थ के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना, अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ, हेडिंग डाल लिए। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर, फिर आगे क्या था, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन में अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना, मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड विथ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स विथ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब यानी हेनरी के नियम से क्या निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, अवाष्पशील जो डाले थे उसका क्या आणविक द्रव्यमान, मतलब पूछेगा जो पदार्थ डाला गया था उसका आणविक द्रव्यमान कितना था, ठीक ना। अब कैसे, चलो सीखते हैं, ठीक ना। सब कुछ दिया रहेगा, बस खाली केमिस्ट्री में समझ और न्यूमेरिकल जो आता है कैलकुलेशन आना चाहिए, अभी तक ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आएगा, ठीक ना। देखो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग n बाई n प्लस कैपिटल N था ना, उसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना माना बिले का द्रव्यमान, बिले का, ये बिले का द्रव्यमान तुम्हें ऑटोमेटिक का किया रहेगा, दिया रहेगा, ठीक ना। इसी जिसको द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, भार, भार बटे अणु भार, तो इसका भी क्या मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, बिले का अणु भार या फिर आणविक, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, डब्ल्यू बाई एम, याद है ना। उसी प्रकार एक बिलियन में बिले था, कौन था, विलायक, उसी प्रकार क्या कर लेते हैं, उसी प्रकार क्या कर लेते हैं, विलायक, विलायक का हाँ द्रव्यमान न्यूमेरिकल के लिए परफेक्ट है, ठीक ना। इसका क्या मान लेते हैं, कैपिटल डब्लू, और फिर क्या मान लेते हैं, विलायक का
इसको मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, ठीक ना, आणविक द्रव्यमान। इसको क्या मान लिया जाए, कैपिटल एम, ठीक ना। ये आता नहीं है, प्रूफ नहीं आता है, ठीक ना, प्रूफ नहीं है ये, उसी को कन्वर्टिंग किया जा रहा है कैसे देखो, ठीक ना। अब हम लोग राउल्ट के नियमानुसार क्या, हाँ राउल्ट के नियम से, ठीक ना, राउल्ट के नियम से क्या जानते हो तुम लोग, क्या जानते हो, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड पी नॉट इक्वल एक्स, छोड़ एक्स छोड़ दो, एन बाय एन प्लस कैपिटल एम, यही ना। चलो अब क्या किया जाए, P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड पी नॉट इक्वल एन क्या है, एन, एन क्या है, एन ब्लैक के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या कैसे निकलता है, द्रव्यमान बटे या भार बटे अणु भार, तो भार बटे अणु भार, W बाय एम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बाय एम, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल W बाय, होगा ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हम लोग लिखेंगे क्या, तनु विलयन के लिए, किसके लिए, हाँ तनु विलयन के लिए, तनु विलयन, ठीक ना, तनु बोले तो अति तनु विलयन के लिए। राउल्ट का नियम किस विलयन पे लागू होता है, मतलब बिलियन में, बिलियन में जो विलेय डाला गया है उसकी मात्रा नामात, मतलब कुल मिला के नगण्य, तो मतलब बिलियन कौन है, ऊपर वाला के नीचे वाला, तो इसमें से ये वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा ऑटोमेटिक, क्यों, क्योंकि बिलियन में, क्योंकि राउल्ट का नियम क्या बोलता है, राउल्ट का नियम जो विलेय पदा अवाष्पशील विलेय डाला जा रहा है वो क्या है, अति तनु है, मतलब ना के बराबर, नगण्य नहीं के बराबर, किसमें, बिलियन का बात कर रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, नगण्य, तब जाके तुम्हारा क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड पी नॉट इक्वल डब्लू बाई एम डिवाइडेड कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल एम, फिर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड पी नॉट इक्वल एम, ऊपर जाएगा ये वाला, एम नीचे आएगा, यानी क्या बनेगा, डब्लू कैपिटल एम, फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, अब स्मॉल एम कैपिटल, ये देखो ये यहीं से आता है तुम्हारा सवाल, बस यहाँ पे याद रखना है ये किसके लिए। अब कहोगे सर इसका मान जब क्या है, नगण्य, तब तो इसका भी हो जाना चाहिए, क्वेश्चन आ रहा है ना, लेकिन बिलियन देखो, बिलियन कहाँ है, ऊपर नीचे, नीचे, नीचे है। अब तुम लोग एक क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक ना, एक गरीब के पास दो रुपए है, एक गरीब के पास क्या रुपए है, तो उसके पास तो अभी बहुत पैसा है, दो रुपये देखो तो, जिसके पास कभी आता ही नहीं पैसा है, गरीब है, तब क्या होगा, अगर अचानक से दो रुपये मिल जाए तब उसके लिए दो रुपये वो काफ़ी बहुत सारा है कि नहीं। वही लड़का अमीर लड़के के ग्रुप में जाके का हो गया, मिल गया, तो उसका दो रुपये दिखेगा, सबके पास हजार रुपये, पाँच सौ रुपये, सब पिकनिक जा रहे हैं, तो कोई बोलेगा हाँ तुम दो रुपये दिए हो, उसका दो रुपये वहाँ पर का हो गया, छुप गया, विलीन हो गया, गायब, उसका दो रुपये का कोई वैल्यू नहीं, जबकि अकेला खुद घर पे था तब, उसके लिए दो रुपया क्या था, समझ आओ, दो तीन हजार के बराबर था, अरे वाह मेरे पास आज दो रुपये आया है कि नहीं, जबकि अमीरों के फ्रंट में गया तो क्या हो गया, दो रुपया वो लुप्त हो गया, गायब हो गया, जबकि है लेकिन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तुम एक लीटर क्या करो, एक लीटर जल में, ठीक ना, दो तीन कड़ नमक डालो, दो तीन कड़, एक लीटर जल में सोच लो, एक लीटर जल है और जो आता है ना छोटा छोटा, चार पांच उठा लो और कहाँ डाल दो,
तो लगेगा कोई, आप किसी को पानी पियाओ तो बता लेगा कि हाँ नमक डाले थे, का है बहुत कम था, लेकिन वही सिर्फ अपने जीभ पे रखते तब मतलब उसका भी वैल्यू था, लेकिन किसी से मिल जाने के कारण वो का हो गया, खत्म हो गया। तो देखो ये यहाँ देखो ये बिलियन था ना, तो बिलियन में मिल जाने के कारण ई का हो गया, इसका मात्रा विलुप्त हो गया, जबकि इसका भी वैल्यू है, उसका भी वैल्यू है कि नहीं, वो तीन चार कड़ का और उसका दो रुपया का भी वैल्यू है, लेकिन किसी के होने से उसकी मात्रा का हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। समझ में आया? यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे तो हमको भी कंडीशन समझ में नहीं आया, जब यहाँ जीरो किए तो ये कहाँ का कहूँ का गामा है, यहाँ पर भी तो जीरो होना चाहिए। तो देखो कंडीशन ये था, कंडीशन तुम लोग समझ में आया? तो देखो इसकी भी वैल्यू है, लेकिन किसी के होने से का हो गया, इसकी मात्रा विलुप्त हो गया, गायब हो गया, नगण्य के बराबर, ना के बराबर, ठीक ना। जबकि उसका भी वैल्यू है, वो अलग अकेला रहेगा तो उसका भी वैल्यू होता है। तो ये वैल्यू कहाँ पे जाके मिल गया, बिले की मात्रा कहाँ पे जाके मिल जा रहा है, पानी में। तो उसकी मात्रा का हो गया, दो तीन जो कड़ डाले कहाँ डाल दिए, पानी में। तो बिलियन बना के नहीं, बिलियन इसी ना है, तो पानी में उसकी मात्रा का हो गया, विलुप्त हो गया। जबकि वो दो चार कण जो नमक लिए थे उसका भी वैल्यू है, अपने जीभ पर रख के टेस्ट कर सकते हो, ठीक ना। ये रहा इस पे सवाल लगे। हाँ अब यहाँ पे तुम बता सकते हो वही सब जो पीछे लिखा है, ये है ना, और बाकी तो ये जानते ही हो, नोट डाउन करो इसे। सवाल जल्दी लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना, लेकिन तुम लोग छोड़ो मत, रगड़ो, क्योंकि फिजिक्स में भी बहुत सारा सवाल होते हैं, केमिस्ट्री में भी है, चार चैप्टर तक आगे भी हैं, लेकिन उस लायक नहीं है, चार चैप्टर तक ही सवाल आते हैं तुम्हारे। हो गया ना, नोट कर लिए ना, चलो क्वेश्चन नोट करो। तो बोलें किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब जीरो पॉइंट एट फाइव जीरो बार है, जीरो पॉइंट एट फाइव जीरो बार है, खड़ी पाई, जीरो पॉइंट फाइव ग्राम, जीरो पॉइंट फाइव ग्राम। अच्छा जो चित्रा का किताब जो लिए होंगे ना, जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें ये सवाल गलत दिया हुआ है, ठीक ना। देखो क्या बोला है ना, जीरो पॉइंट जीरो फाइव, जीरो पॉइंट 05 ग्राम, इसके आगे जो लिखा है देखना, ऐसे लिखा है, ठीक ना, ये लिखा है वाष्पशील पदार्थ मिलाने पर, तो क्या सही लिखा है? हाँ, क्या होना चाहिए? अवाष्पशील होना चाहिए, नहीं तो राउल्ट के नियम फॉलो नहीं करेगा। जब राउल्ट का नियम फॉलो नहीं करेगा तो क्या राउल्ट के सूत्र पे लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बना लेना तुम लोग, वाष्पशील नहीं है, क्या है? अवाष्पशील, जिसके पास किताब होगा, ठीक ना। तो 0.5 ग्राम अवाष्पशील, अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य ठोस को, विद्युत अन अपघट्य, विद्युत अन अपघट्य ठोस को 39.0 ग्राम, 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया, बेंजीन में घोला गया, खड़ी पाई, प्राप्त बिलियन का वाष्प दाब, प्राप्त बिलियन का वाष्प दाब 0.845 बार है,
0.845 बार है। खड़ी पाई, ठोस का मोलर द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान, ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है? बहुत मस्त क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, ठीक ना? पढ़ो एक बार क्वेश्चन। अब इसमें पहले पकड़ना पड़ेगा ना कौन क्या क्या है। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन देख लो। देखो क्या बोला, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन, क्या शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, ठीक है ना, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। शुद्ध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, तो पहले लिखोगे क्या दिया है, ठीक है, क्या दिया है, शुद्ध बेंजीन का, ठीक है ना। तो कॉपी भरने के लिए हिंदी में भी लिख देना, उसे हम डायरेक्ट सिंबॉलिक चलते हैं ना। P नॉट इक्वल क्या दिया है, 0.850 बार, यही दिया है ना जी। हाँ, फिर क्या दिया है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को, तो क्या दिया है, ये क्या दिया है, बिले का द्रव्यमान यानी स्मॉल डब्लू 0.5 ग्राम, ठीक है ना। फिर मिलाने पर क्या बन गया, बिलियन। तो बिलियन का वाष्प दाब कितना आता है, पीएस 0.845, यह बोला है ना जी, 0.845 बार, नहीं है, मतलब पहले शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना था, 0.850 बार था ना, क्या मिला दिए उसमें, क्या मिला दिए, 0.5 अवाष्प, सिर्फ कोई पदार्थ मिला दिए। तो देखो वाष्प दाब घटा कि नहीं, देखो 850 से कितना हो गया, नहीं घटा, तो बिले पदार्थ मिलाने पे घट गया। तो क्या पूछा है, क्या पूछा है, मोलर द्रव्यमान, ठोस का मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल m जो मिलाए हो उसका मोलर द्रव्यमान क्या है, यही पूछा है ना। हाँ, और क्या, और क्या दिया है, और कुछ दिया है, अच्छा हाँ, अनपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में, किस में, जो बेंजीन है उसका वेट कितना है, मतलब क्या दिया है, कैपिटल, कैप्टन डब्ल्यू दे दिया ना, बेंजीन का द्रव्यमान दिया है यानी 39.0 ग्राम दिया है कि नहीं। हाँ, तो अब हमें देखो सब पी नॉट है, पी एस है, डब्ल्यू है, कैपिटल एम, स्मॉल एम पूछा है, डब्ल्यू, लेकिन कैपिटल एम भी होता है, तो कैपिटल एम का है, विलायक का आणविक द्रव्यमान, तो कैपिटल एम निकाल दो, कैपिटल एम, कैपिटल एम कौन है, बेंजीन, तो बेंजीन का क्या फार्मूला होता है, C6H6, 6×12 फार्मूला लिख लेना तुम लोग, C6H6, तो 6×12, 6×1 टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, बरछक 72 और 6 कितना हो जाएगा, 78, क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या मात्रक होगा, ग्राम पर मोल होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, और कुछ दिया है, नहीं दिया है ना अब, हाँ बस इतना ही दिया है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग क्या लगा देंगे डायरेक्ट, राउल्ड के नियम से, क्या होता है राउल्ड का नियम, ये सब में रिलेशन, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड पी नॉट इक्वल एन बाय, हाँ एन में रिलेशन कोई फायदा नहीं है, क्या रखना है, स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम डिवाइडेड, सही ना, यही ना था, फिर क्या था, स्मॉल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू,
यही था ना। अब क्या कर देते हैं, आराम से वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो पी नाट कितना है, पी नाट कितना है, पी नाट 0.850 माइनस पीएस कितना है, पीएस 0.845 डिवाइडेड पी नॉट कितना है 0.850 इक्वल स्मॉल डब्लू कितना है, स्मॉल डब्लू 0.5 मल्टीप्लाई कैपिटल एम 78 डिवाइडेड, अच्छा 78 78 और एम एम तो चाहिए, एम तो चाहिए, कैपिटल डब्लू 39 है ना। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 39 दूना देखो नहीं हो जाएगा, हाँ फिर 0.850 में से 0.845 घटा दोगे कितना आ जाएगा 0.005 ठीक ना, डिवाइडेड कितना हो जाएगा 0.850 इक्वल 5 दूना एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो 1/m, यहाँ समझ में आया जी, 5 का गुणा कै में होता है, कितना आएगा कै अंक बाद दशमलव, तो 0 खत्म 1/m, इसका दशमलव क्या हो जाएगा देखो, 3 अंक के बाद इसका भी 3 अंक के बाद है तो कितना हो जाएगा 5/850 इक्वल 1/m, तो m इक्वल कितना हो जाएगा, m इक्वल ठीक है, उसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 850/5, तो m इक्वल कितना आ जाएगा 5 × 5 फिर 3 है ना 170, अतः करके क्या लिखोगे, अतः ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कितना है 170, मोलर द्रव्यमान है, मात्रक क्या होगा कौन बताएगा, मात्रक क्या होगा ग्राम प्रति मोल ठीक ना। चलो नोट कर लो, बहुत इजी था।